वेलकम टू माई YouTube चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल पोइम यूलिसिस। अगर आप ये पूछें तो ये पोइम मेरी वन ऑफ द फेवरेट पोइम है, बिकॉज इस पोइम को पढ़ने के बाद हर वो शख्स जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, नई नई चीज़ों को सीखना चाहता है, उनको प्रेरणा मिलती है कि हम लोगों के अंदर जब तक आखिरी सांस बची है हम लोग सीख सकते हैं। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, इंसान अपनी जन्म से सीखना शुरू करता है और अपनी मृत्यु तक चीज़ें सीखता चला जाता है। तो इससे पहले कि हम लोग पोइम को डिटेल में समझें, हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं पोइट के बारे में, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज अ ब्रिटिश पोइट, वो एक ब्रिटिश पोइट है। ही वॉज अ पोइट लॉरेट ड्यूरिंग मच ऑफ द क्वीन विक्टोरियास रीन एंड रिमेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रिटिश पोइट। क्वीन विक्टोरिया के राज्यकाल के दौरान वो ब्रिटेन के पोइट लॉरेट रहे और उस काल में वो ब्रिटेन के सबसे फेमस पोइट्स में से एक पोइट थे। In 1829, Tennyson was awarded the Chancellor's Gold Medal at Cambridge for one of his first pieces, Timbuktu. और 1829 में उनको उनके वर्क Timbuktu के लिए Chancellor's Gold Medal के साथ Cambridge में सम्मानित किया गया था। He published his first solo collection of poems, poems chiefly lyrical in 1830. उन्होंने अपने पहली किताबों की collection जो है 1830 में publish की थी, जिसका नाम है पोइम चीफली लिरिकल। क्लैरिबल एंड मारियाना विच रिमेन सम ऑफ द टेनिस मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइम्स वर इंक्लूडेड इन दिस वॉल्यूम। और उसकी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम्स क्लैरिबल एंड मारियाना इसी कलेक्शंस में इंक्लूड की गई थी। ऑल्सो डिस्क्राइब्ड बाय सम क्रिटिक्स एज ओवरली सेंटिमेंटल, हिज वर्स सून प्रूव्ड पॉपुलर एंड ब्रॉट टेनिसन टू द अटेंशन ऑफ वेल नोन राइटर्स ऑफ द डे इंक्लूडिंग सैमुअल टेलर कॉलरिज। नो डाउट उनके लिखने की शैली के ऊपर टाइम टू टाइम उंगलियां उठाते रहे अलग अलग लोग, बट उनकी शैली इतनी प्रभावशाली थी कि जल्दी ही वो अपने दौर के मुख्य कवियों की धारा में श्रेणी में आ चुके थे। टेनिसन्स अर्ली पोइट्री विद इट्स मिडीवलिज्म एंड पावरफुल विजुअल मेमोरी वाज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। और प्री रेफलाइट जो मूवमेंट चली थी ब्रिटेन के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, उस में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोइट्री का एक अहम योगदान था। तो ये थी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन हमारे पोइट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स यूलिसिस। इट लिटल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग बाय द स्टिल हर्ट अमंग दीज बैरन क्रैक्स मैश्ड विद एन aged wife I meet and all unequal laws unto a savage race that hold and sleep and feed and know not me। तो इससे पहले कि मैं पोइम की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँ, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ पोइम का। पोइम जो है तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से में पोइट जो है वो अपने लास्ट एज में आ चुका है, यानी कि बूढ़ा हो चुका है, और अपनी लास्ट डेज जो है अपनी वाइफ के साथ बैठकर आग घर के अंगीठी के पास बैठ के बिता रहा है। बट पोइट ऐसी ज़िंदगी जीना को ज़िंदगी जीना नहीं मानता, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी समुंदर के सफ़र में गुजारी, एडवेंचर में गुजारी है। इसीलिए वो ये चाहता है कि वो आखिरी सांस तक नई चीज़ों को सीखता चला जाए। तो इस पहले हिस्से में हम लोग देख सकते हैं कि फिज़िकली वीक होने के बावजूद भी पोइट की जो विल पावर है वो आज भी स्ट्रांग है, वो ज़िंदगी में ठहराव को अच्छा नहीं समझता, ठीक है। तो यानी कि पहला हिस्सा वो है, वो उसका प्रेजेंट है जब वो बूढ़ा होने हो चुका है और अपनी वाइफ के पास बैठा है, और वो एक साधारण सी ज़िंदगी, जो ज़िंदगी शायद हम लोगों को पसंद है, बट यूलिसिस को वो ज़िंदगी पसंद नहीं है, क्योंकि वो साधारण लोगों जैसी ज़िंदगी जीना नहीं चाहता। उसके लिए ज़िंदगी खाना पीना जमा करना या सोना नहीं है, उसके लिए ज़िंदगी नई नई चीज़ों को सीखना है। और दूसरा हिस्सा है पोइम का, जिसमें
वो ये भी दिखाता है कि अगर वो अपने लिए नई नॉलेज को हासिल करना चाहता है तो उसे इस चीज़ का भी भली भांति ज्ञान है कि एक राजा के तौर के ऊपर उसके ऊपर उसके राजपाट की भी जिम्मेदारी है, उसके परिवार की भी जिम्मेदारी है। इसीलिए वो ये कहता है दूसरे हिस्से में कि वो अपने आखिरी समुद्री सफ़र के ऊपर जाने से पहले अपने राजपाट की जिम्मेदारी अपने बेटे को दे जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका बेटा जो है वो राजपाट और घर के और कामों को बाखूबी निभा सकता है। तो दूसरे हिस्से में ये दिखा दिया जाता है कि वो ज़िम्मेदार है, उसे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है, इसीलिए अब जाने से पहले उस ज़िम्मेदारी को अपने बेटे को सौंप के जाना चाहता है ताकि किसी को ये ना लगे वो केवल अपने बारे में सोचता है। थर्ड हिस्सा वो है जब वो फिर से अपने समुद्री साथियों को, जो सेलर्स को जो कि बूढ़े हो चुके हैं, उनको प्रेरित करता है, उनको कहता है कि नो डाउट वो सारे बूढ़े हो चुके हैं, उनका शरीर कमज़ोर हो चुका है, बट वो कहता है कि अब भी बहुत समय बचा है उनकी ज़िंदगी का, अब भी वो मरने से पहले कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो मरने के बाद भी ज़िंदा रहे। क्योंकि यूलिसिस का ये मानना है किसी भी चीज़ को सीखने की कोई उम्र कोई समा नहीं होता, और वो ये चाहता है कि वो आखिरी सांस तक नई चीज़ों को सीखता हुआ मरे, वो आम लोगों जैसी साधारण ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने को ज़िंदगी जीना नहीं समझता। इसीलिए वो अपने साथियों को भी प्रेरित कर रहा है और वहीं पर वो हम लोगों को भी प्रेरित कर रहा है। तो ये थी डिटेल्ड एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पोइम की। So now let's start with the poem. The present poem, Ulysses, has been written by Alfred Lord Tennyson, one of the greatest poet in English literature. His important poems include Ulysses and Princess. तो जैसे कि हमें पता ही है, ये poem Ulysses के द्वारा Ulysses poem जो है Alfred Lord Tennyson के द्वारा लिखी गई है। Ulysses और Princess उनकी मुख्य कविताओं में से या फिर मुख्य रचनाओं में से एक रचनाएँ हैं। In these lines, the poet has presented Ulysses as a person who does not want to live an ordinary life like all the people around him. और इन opening lines के अंदर, इस पहले stanza के अंदर, poet ने Ulysses को एक ऐसे character के तौर पे हमारे सामने पेश किया है जो साधारण ज़िंदगी, जो हम सब लोग जो साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं या उसके इर्द गिर्द जो बाकी लोग जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, वो वैसे ज़िंदगी जीना नहीं चाहता। Ulysses says that it is no use for him to continue live like an ordinary human being by being quite peaceful home among those barren rocks in the company of his old wife. वो कहता है उसे ऐसी ज़िंदगी बिताने में कोई रुचि नहीं है जब वो बिना किसी एक्शन के, बिना किसी मकसद के अपनी वाइफ के पास बैठ के अपनी ज़िंदगी को गुजार दे। वो कहता है ये साधारण लोग ऐसे करते होंगे, बट मैं ऐसी साधारण ज़िंदगी जीने को जीना नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, वो आने वाले पैराग्राफ्स में क्लियर हो जाएगा। He feels that people do not understand the laws made by him. वो ये सोचता है कि जिस प्रकार की वो ज़िंदगी जीना चाहता है, उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उस प्रकार की ज़िंदगी को कैसे जीना है उसे समझ ही नहीं पा रहे। They live more or less like animals. They just collect wealth, eat and sleep. वो कह रहा है कि जिस प्रकार के ज़िंदगी उसके आसपास की लोग जी रहे हैं, वैसी ज़िंदगी तो जानवर भी जीते हैं, फिर उनमें और जानवरों में क्या फ़र्क है। वो कह रहा है कि वो भी चीज़ें इकट्ठा करते हैं, खाते और सो जाते हैं, और हम लोग भी वही काम कर रहे हैं। और पोइट कहता है कि फिर इंसान और जानवर में फ़र्क क्या हुआ। इंसान को भगवान ने जो ब्रेन दिया है, माइंड दिया है नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, उसका तो इस्तेमाल किया ही नहीं। तो इसीलिए वो कहता है कि उसको ऐसी साधारण ज़िंदगी जीने में किसी प्रकार की रुचि नहीं है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट थ्रू दीज लाइन द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड डिससेटिस्फेक्शन ऑफ Ulysses ओवर लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ। तो इन पंक्तियों में ये क्लियर हो जाता है कि वो एक साधारण सी ज़िंदगी जीने में बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, वो एक एक्शन से भरी ज़िंदगी को जीना चाहता है। ही इज़ नॉट लाइक वन ऑफ अस हु माइट लाइक टू लिव सच ए लाइफ ऑफ कम्फर्ट एंड प्लेजर। वो हम में जैसा नहीं है, हम लोग कैसे, हम लोगों को अगर ऐसी ज़िंदगी मिली होती, हम लोग राजा होते तो हम लोग ऐसी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीकर बहुत खुश होते, बट वो ऐसी ऐशो आराम भरी ज़िंदगी जीना नहीं चाहता। वो कहता है जिस ज़िंदगी में सीखना ही बंद हो गया,
वो ज़िंदगी ही क्या, वो कहता है ज़िंदगी में हम लोग सीखना तब बंद करते हैं जब हमारी मृत्यु हो जाए। और जिस इंसान ने जीते जी सीखना बंद कर दिया वो इंसान तो मृत्यु से पहले ही मर गया। तो यहाँ पे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि ज़िंदगी में हम लोगों को भी जहाँ से कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिले सीख लेनी चाहिए। और कई बार बड़े बड़े भी वो चीज़ नहीं सिखा पाते जो छोटे छोटे बच्चे हमें सिखा जाते हैं, यानी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई सीमा नहीं होती, हम लोग जब चाहे किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। और जब इसीलिए हम लोगों को हमेशा नॉलेज को इकट्ठा करता रहना चाहिए। ऑन द अदर हैंड यूलिसिस क्लियरली इंडिकेट दैट ही कैन नॉट लिव सच लाइफ लाइक हिज कंट्री मैन, इसीलिए यूलिसिस कहता है कि वो अपने बाकी देशवासियों जैसी साधारण जिंदगी नहीं जी सकता। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड, ग्रेटली हैव सफर्ड ग्रेटली बोथ विद दोज दैट लव्ड मी एंड अलोन ऑन श्योर एंड वेन थ्रू स्कटिंग ड्रिफ्ट द रेनी हाइट्स। इन दीज लाइन्स यूलिसिस से दैट ही कैन नॉट लिव अ लाइफ ऑफ इनएक्शन, वो कहता है कि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता जिसमें कोई कर्म ना हो, मैं एक कर्मशील एक यत्नशील जिंदगी जीना चाहता हूँ। ही हैज़ ट्रेवल्ड ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ लर्निंग न्यू थिंग्स एंड मेकिंग न्यू एडवेंचर्स, वो कह रहा है कि आज तक उसने पूरी ज़िंदगी नई चीज़ों को सीखते हुए नए रोमांचों को करते हुए और नई नॉलेज को हासिल करते हुए ही बिताई है। सो इवन नाउ ही कैन नॉट लीड सच अ लाइफ दैट इज़ डल एंड इनएक्टिव, इसीलिए अब जबकि वो बूढ़ा भी हो चुका है तो वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता बूढ़े होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आज भी एक तीव्र इच्छा एक तीव्र लालसा है कि वो अपने मोर्स एंड मोर नॉलेज को इकट्ठा करने की जो लालसा है उसे प्रेरित करती है कि वो अपनी आखिरी सांस तक नई नई चीज़ों को सीखता चला जाए। इन फैक्ट ही स्ट्रॉन्गली एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर टू गो ऑन न्यू ट्रैवल इन सर्च ऑफ न्यू एडवेंचर एंड लर्न न्यू थिंग्स, यहाँ तक कि वो एक तीव्र इच्छा बताता है कि वो चाहता है कि वो अब भी एक नए सफ़र पे जाए जहाँ पे वो नई नए रोमांच करे, नई नई चीज़ों को सीखे, नई नई नॉलेज को इकट्ठा करे। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट यूलिसिस क्लियरली वॉन्ट्स टू टेल दैट ही कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल अंटिल ही इज़ अलाइव एंड ही विल ट्राई टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ हिज लाइफ टिल ही इज़ अलाइव। दूसरे शब्दों में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यूलिसिस ये कहना चाहता है कि वो जब तक उसके शरीर में आखिरी सांस बची है वो नई नई चीज़ों को सीखना बंद नहीं कर सकता, वो तब तक एडवेंचर करता रहेगा, नई चीज़ों को सीखता रहेगा जब तक उसकी ज़िंदगी जीवित बची है। इन दिस प्रोसेस ही इवन रिकॉल हिज फेलो मरीनर्स हु हैव एंजॉयड एंड सफर ग्रेटली बोथ विद हिम इन हिज कंपनी, इस प्रक्रिया में वो अपने साथी समुद्री साथियों को भी याद करता है, उनको भी बुलाता है और याद करता है कि किस प्रकार से उसके साथियों ने भी हर सफ़र में हर रोमांच में उसका हर अप एंड डाउन में उसका साथ दिया है। ही टेल्स दैट हिज सेलर्स हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम एंड गिवन हिम फुल सपोर्ट टू हिम इन एवरी थिक एंड थिन ऑफ हिज लाइफ, वो बताता है किस प्रकार से उसके समुद्री साथियों ने जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में उसका साथ दिया था। यूलिसिस टेल दैट ही हैज ट्रेवल्ड ऑन लैंड एज वेल ऑन स्टॉर्मी सीज डिस्टर्ब्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन, वो कहता है कि उसने शांत समुद्र पर भी सफ़र किया है, तूफानों में भी सफ़र किया है। द पोएट tells that in these lines Ulysses clearly expresses strong desire to live a life of action and adventure till he is alive. तो in short ये कहना भी गलत नहीं होगा इन पंक्तियों में Ulysses poet ने Ulysses की एक action से भरी जिंदगी और एक adventure से भरी जिंदगी की जो कामना है, वो चाहता है कि वो एक ऐसी जिंदगी जिए जब तक वो जिंदा है वो नई नई चीज़ों को सीखता जाए, उस desire को इन lines में poet ने बाखूबी बयान किया है। Vexed the dim sea, I am become a name for always roaming with a hungry heart. Much have I seen and known, cities of men and manners, climate, councils, government, myself not least, but honored of them all, and drunk delight of battle with my peer far on the ringing plains of windy Troy. In these lines, Ulysses tells about his days of youth when he has become a name for person roaming with hungry heart for new adventures and new knowledge. इन पंक्तियों में पोइट अपने जवानी के दिनों को याद कर रहा है जब लोग यूलिसिस को इस बात का प्रतीक मानते थे कि वो एक ऐसा शख्स है जिसके अंदर नए रोमांच को करने की नई नॉलेज को हासिल करने की कभी ना ख़त्म होने वाली
इच्छा है, लालसा है, भूख है. इन फैक्ट इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट यूलिसिस हैज बिकम अ सिनोनिम टू एडवेंचर. ये कहना भी गलत नहीं होगा. यूलिसिस अपने जवानी के दिनों में यूलिसिस रोमांच का दूसरा नाम बन चुका था. ही हैज़ बिकम फेमस एंड नोन थ्रू आउट वर्ल्ड ड्यू टू हिज दिस थर्स्ट फॉर न्यू एडवेंचर्स एंड नॉलेज. और पूरी दुनिया में उसकी एक अलग पहचान बनी है. अगर वो बनी है तो वो उसकी इस नई नॉलेज और नए चीज़ों को सीखने की लालसा के कारण ही बनी है. ही टेल्स दैट थ्रू आउट हिज लाइफ ही हैज़ बीन वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ न्यू एडवेंचर एंड न्यू नॉलेज. ही हैज़ ट्रेवल्ड फॉर एंड वाइड एंड लर्न मैनर्स एंड वेज ऑफ वेरियस पीपल वेयर एवर ही हैज़ विजिटेड ड्यूरिंग हिज एडवेंचरस लाइफ. वो कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी समुद्री सफ़र करते हुए अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर जाते हुए बिताई है. और जहाँ पर भी वो गया है वहाँ के जाकर उसने कुछ ना कुछ सीखा ही है. वहाँ पर लोगों का रहन सहन कैसा है, किस प्रकार से उनके रीति रिवाज है, वो सब कुछ सीखा है. तो इस प्रकार से उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसने पूरी ज़िंदगी रोमांच में गुजारी है, जिसमें उसने नई नई चीज़ों को सीखा है. ही इवन टेल्स दैट ही हैज़ बीन ऑनर्ड रिगार्डेड इन ऑल द कंट्रीज वेयर एवर ही हैज़ गॉन. ही टेल्स दैट ही स्टडी द वर्किंग ऑफ वेरियस कंट्रीज काउंसिल्स एंड गवर्नमेंट. वो कहता है कि जहाँ पर भी गया, वो अपने रोमांच के लिए गया, वहाँ के लोगों ने उसका बहुत मान और सम्मान किया. जहाँ पे भी गया वहाँ पे उसने लोगों के रीति रिवाज, वहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप को सीखा. तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार उसने रोमांच करते हुए, सफ़र करते हुए नई नई चीज़ों को, नई नई नॉलेज को हासिल किया. ही हैज़ ऑलवेज बीन ट्रीटेड विद रिगार्ड एंड कंसिडरेशन. ही हैज़ फॉट विद हिज इक्वल्स इन वॉर ऑफ ट्रॉय वेयर द विंड स्वेप्ट द बैटल फील्ड ऑफ ट्रॉय. फिर वो उन दिनों को भी याद करता है जब उसने अपने साथियों के साथ बैटल ऑफ ट्रॉय में भी हिस्सा लिया था, जब उसने एशल्स के साथ बैटल ऑफ ट्रॉय में भी हिस्सा लिया था. तो ये दिखाता है कि पोइट क्यों, अब पहले पैराग्राफ में इसने क्यों कहा था कि वो साधारण ज़िंदगी जीना नहीं चाहता, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी ही रोमांच में बिताई है. और जो इंसान ऐसे रोमांच में ज़िंदगी बिताता है वो कभी भी एक स्टेबल ज़िंदगी से, एक स्थिर ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं हो सकता. वो चाहेगा कि वो अपनी आखिरी सांस तक ऐसे ही रोमांच और ज्ञान से भरी ज़िंदगी जीता रहे. आई एम पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, येट ऑल एक्सपीरियंस इज़ एन आर्क वेयर थ्रू ग्लेंस दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स फॉर एवर एंड फॉर एवर. वेन आई मूव हाउ डल इट इज़ टू पॉज टू मेक एन एंड टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन यूज. इन दिस लाइन यूलिसिस सेज दैट हिज करैक्टर इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑल द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट ही हैज़ गेन्ड फॉर सो फार. इन पंक्तियों में यूलिसिस कहता है कि आज उसकी जो पहचान बनी है वो इस चीज़ का नतीजा है, जो नॉलेज, जो तजुर्बा उसने अपनी पूरी ज़िंदगी हासिल किया है उसी चीज़ का तजुर्बा है आज उसकी जो पहचान बनी है, उसी चीज़ का नतीजा है जो आज उसकी पहचान बनी है. ही टेल्स दैट नो डाउट ही हैज स्पेंट हिज ऑल हिज लाइफ गेनिंग न्यू नॉलेज एंड लर्निंग न्यू थिंग, बट स्टिल व्हेन ही लुक्स एट द नॉलेज दैट ही हैज़ येट नॉट अचीव ही फील्स एज इफ नॉलेज इज जस्ट हिज दैट नॉलेज इज जस्ट स्मॉल पोर्शन ऑफ द वास्ट एंड लिमिटलेस नॉलेज दैट ही हैज़ येट नॉट अचीव. और वो कहता है कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी नई नई चीज़ों को सीखते हुए, नई नई नॉलेज को हासिल करते हुए बिताई है. बट जब वो ये देखता है कि जो नॉलेज, जो ज्ञान अभी तक उसने हासिल नहीं किया वो तो बहुत बड़ा है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, तो उसे आभास होता है कि उसके पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज उसने हासिल की है वो तो बिल्कुल इस प्रकार से जैसे समुंदर में से एक कतरा पानी का, एक बूंद पानी उसको मिली हो. तो उसे ऐसा लगता है कि उसने आज तक जितनी भी नॉलेज हासिल की है वो तो एक बूंद है उस नॉलेज की, जो नॉलेज अभी तक उसने हासिल नहीं की, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है. यूलिसिस फील्स दैट ही इज़ ओनली एट द गेट ऑफ द वास्ट वर्ल्ड ऑफ नॉलेज. द मोर वन मूव्स टुवर्ड द हॉरिजन द फार्दर डज इट गो बैक. सिमिलर इज विद नॉलेज, द मोर वन नोज द मोर वन फील्स दैट देयर इज येट मोर टू अचीव एंड टू नो. उसे ऐसा लगता है वो अभी केवल, अभी भी उसे ऐसा एहसास होता है कि अभी तो वो केवल नॉलेज के उस विशाल भंडार के दरवाजे
के ऊपर ही खड़ा है अभी, तो वो दरवाज़ा खुला ही नहीं। जिस दरवाज़े को खोलने के बाद उस विशाल भंडार के अंदर वो एंटर करेगा, उसका हाल बिल्कुल उस शख्स के जैसा है जैसे हम लोग कई बार हॉरिजॉन, जहाँ पे हमें आभास होता है कि धरती और आकाश मिलते हैं, एक्चुअल में नहीं मिलते बट हमारी नज़रें जहाँ तक जाती हैं, हमें लगता है वहाँ पे जाके मिल जाएगा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो लिमिट और आगे चली जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार का कुछ जो है वो नॉलेज के साथ भी होता है। हम लोग जितनी नॉलेज को हासिल करते हैं हमारे अंदर उतनी ही और लालसा जागती है कि हम लोग और नॉलेज को अचीव करें और नॉलेज को हासिल करें। इन अदर वर्ड्स, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट ऑल दिस क्लियरली शोज दैट यूनिवर्स हैज अ डीप डिज़ायर टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये सब कुछ शो करता है कि यूलिसिस के अंदर एक तीव्र इच्छा है कि वो जब तक जीवित रहे वो और नॉलेज और ज्ञान को हासिल करता रहे। ऑन द अदर हैंड, बाउंड्री ऑफ नॉलेज इज एवर एक्सपेंडिंग। यूलिसिस फील दैट स्टैटिक लाइफ इज वेरी बोरिंग। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट यूलिसिस वांट्स दैट स्टैटिक लाइफ और पॉज इन लाइफ इज नॉट सुटेबल फॉर अ पर्सन लाइक हिम, बिकॉज ही फील्स दैट इवन ए स्वॉर्ड loses its shine with rust if it is not used constantly. तो Ulysses कहता है कि जिंदगी में स्थिरता उस जैसे शख्स या जिंदगी में ठहराव उस जैसे शख्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? वो कहता है कि एक चमकती हुई तलवार भी जब हम उसे इस्तेमाल नहीं करें, हम लोग चाहे उसे लाख कपड़ों में लपेट के रख लें, हवा के मॉइस्चर के कारण उसे भी जंग लग जाता है जब हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल उसी ढंग से वो चाहता है कि उसके जैसा इंसान की ज़िंदगी के अंदर अगर ठहराव आ गया तो उसे ऐसा लगता है कि वो जीते जी ही मर जाएगा। इसीलिए सो वी कैन से दैट इन दिस यूनिवर्सली क्लियरली वांट पॉइंट आउट दैट वी आर ब्रीथिंग इज़ नॉट लाइफ। तो वो क्लियरली ये कहना चाहता है केवल सांस लेना ही ज़िंदगी नहीं है, केवल खाना पीना और सोना ही ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का मकसद है नई नई चीज़ों को सीखना, नई नॉलेज को हासिल करना आखिरी सांस तक। ही वॉन्ट्स टू लिव सच अ लाइफ विच इज़ फुल ऑफ एडवेंचर एंड विल कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स टिल ही इज़ अलाइव। वो ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता है जो कि रोमांच से भरी हो, और वो जब तक ज़िंदा है वो ऐसी ज़िंदगी जीता रहेगा। एज थ्रू एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटल एंड ऑफ वन टू मी लिटल रिमेन्स बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट एटर्नल साइलेंस समटाइम मोर अ ब्रिंजर ऑफ न्यू थिंग्स एंड वाइल इट वर फॉर सम थ्री सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ एंड दिस ग्रेस स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार beyond the utmost bound of human thought. In these lines, Ulysses point out that there is no end to knowledge. In पंक्तियों में Ulysses clear कर देता है कि सीखने का कोई अंत नहीं है, हम लोग जितना सीखेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। दुनिया में इतनी नॉलेज पड़ी है कि एक ज़िंदगी क्या हमें हज़ारों ज़िंदगियाँ भी मिल जाएँ तो भी हम लोग पूरा ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। That is, the more we learn, the more our desire to learn keep on rising. It would not be wrong to say that knowledge is vast and limitless and our life is very short to achieve the whole knowledge of the world. तो वो ये कहना चाहता है कि नॉलेज एक विशाल भंडार है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है इस पूरी दुनिया के नॉलेज को हासिल करने के लिए। दैट इज़ वाई ही फील्स दैट इवन इफ ही कुड हैव सेवरल लाइव्स ही वुड स्टिल नॉट बी एबल टू लर्न एंड अटेन द होल नॉलेज फ्रॉम द वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज। इसीलिए उसे ये भी आभास होता है कि एक क्या अगर उसके पास कई जिंदगियां भी होती तो भी शायद वो इस दुनिया की पूरी नॉलेज को अटेन करने में समर्थ नहीं होता। Ulysses says that he has only one short life at his disposal and he wants to make maximum out of his life by learning more and more in his life. Ulysses tells that now he is in the second phase of his life and only a few years of his short life are left, and he is determined to make every hour and every second of his life worthwhile learning new things and new knowledge in his life. So Ulysses in panktiyon mein ye kehta hai
कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, और वो तो अब अपनी ज़िंदगी के कई ज़िंदगियां भी नॉलेज को हासिल करने के लिए कम है, और वो तो अपनी एक ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे है, और वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी के जितने भी क्षण, जितने भी पल बाकी रह गए हैं, वो हर पल का, हर क्षण का सही इस्तेमाल करे, नई नई चीज़ों को सीख के, नई नई नॉलेज को हासिल करके। In these lines, Ulysses says that he considered it mean on his part to stay at home for 3 years to take extra care of himself and to keep himself alive. वो कहता है कि वो ये सही नहीं समझता कि वो अपनी लाइफ के आखिरी साल अपनी वाइफ के पास फ्री बैठ के गुजार दे और कुछ ना सीखे। वो कहता है कि उसके जैसे शख्स के लिए ऐसी ज़िंदगी जो है जीना शोभा नहीं देता। His soul has an earnest desire to go in thirst of knowledge. A star is believed to cross the horizon before setting. Similarly, Ulysses wants to attain such knowledge which no other human being has ever achieved. तो वो ये कहता है कि ये माना जाता है कि एक तारा डूबने से पहले एक कोने से दूसरे कोने पे चला जाता है, उसी प्रकार से वो चाहता है कि वो भी मरने से पहले इतनी नॉलेज हासिल कर ले जो कि दुनिया के किसी और ह्यूमन बीइंग ने हासिल ना की हो। In other words, it would not be wrong to say that Ulysses wants to keep on learning new knowledge and things till his last breath because he knows that there is no end to learning knowledge because knowledge is vast and limitless. Knowledge is vast and limitless. दूसरे शब्दों में ये कहना भी गलत नहीं होगा, यूलिसिस चाहता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक नई नई चीज़ों को सीखता रहे, नए नए रोमांच करता रहे, नए नए नॉलेज को हासिल करता रहे, क्योंकि उसे पता है कि सीखने की, नॉलेज हासिल करने की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जो नॉलेज है वो उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये था हमारा पहला पोर्शन। अब है दूसरा पोर्शन। पहले पोर्शन में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यूलिसिस ने एक साधारण ज़िंदगी जीने को नकार दिया, और क्यों नकारा, क्योंकि उसने बताया कि उसने अब तक ज़िंदगी जो है वो नई नई चीज़ों को सीखते या रोमांच करते हुए गुजारी है, और उसके मुताबिक दुनिया में इतना ज्ञान पड़ा है कि उसके लिए कई ज़िंदगियां कम है, और उसके पास तो एक ज़िंदगी है, वो चाहता है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करे और आखिरी सांस तक नई नई चीज़ों को सीखता हुआ वो ज़िंदगी गुजारे। अब दूसरा हिस्सा है, जब वो जाने से पहले, आखिरी सफ़र पे जाने से पहले वो अपने राजपाट की जिम्मेदारी जो है वो अपने बेटे को दे के जाना चाहता है। दिस इज़ माई सन, माइन ओन टेलीमेकस, टू हुम आई लीव द स्केप्टर एंड द आइसर, वेल लव्ड ऑफ मी, डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस, टू मेक माइल्ड अ रग्ड प्यूपल एंड थ्रो सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू देम टू द यूजफुल एंड द गुड। In the second portion of the poem, Ulysses introduces us with his son Telemachus. He tells his pupil that he is giving his son Telemachus the authority to rule over his kingdom. तो poem के दूसरे हिस्से में वो अपने बेटे Telemachus से हम लोगों का इंट्रोडक्शन कराता है। वो अपने लोगों को कहता है वो जाने से पहले अपने राजपाट की जिम्मेदारी अपने बेटे Telemachus को देके जा रहा है। Ulysses loves his son dearly. He is sure that Telemachus is fit for the job of ruling his kingdom. Slowly he will polish the rough people of the island. वो जानता है कि Telemachus के अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं जो एक राजा के अंदर होने चाहिए। उसे पता है कि वो अपने राज्य के लोगों को सही ढंग से मैनेज कर लेगा। Ulysses is sure that Telemachus will turn into good and Telemachus will turn them into good and useful citizens. In other words, through these lines, the poet has clearly presented another aspect of Ulysses' characters. He tells that no doubt Ulysses wants to achieve and gain more and more knowledge, but still he is fully aware that about his responsibility towards his kingdom. और इस पैराग्राफ में भी, इस स्टैंजा में भी हम लोग देख सकते हैं कि पोइट ने यूलिसिस के करैक्टर का एक और पहलू बताया है। नो डाउट वो एक रोमांच भरी, एक ज्ञान पूरी भरी ज़िंदगी जीना चाहता है, बट उसे ये भी पता है कि उसके ऊपर उसके राज्य की, उसके घर परिवार की जिम्मेदारी है, इसीलिए
वो नए एडवेंचर पे जाने से पहले अपनी उस जिम्मेदारी को अपने बेटे को सौंप के जाना चाहता है। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही सेंटर्ड इन द स्पीयर ऑफ कॉमन ड्यूटी डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गोड्स गॉड्स वेन आई एम गॉन ही वर्क्स हिज वर्क आई माइन। इन दीज लाइन्स यूलिसिस टेल्स हिज पीपल दैट हिज सन हैज अ स्पॉटलेस करेक्टर ही इज एक्सपर्ट इन डूइंग ऑर्डिनरी ड्यूटीज ऑफ हिज किंगडम। वो कहता है कि उसके बेटे का जो चरित्र है वो बेदाग है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है और वो राजपाट की साधारण ड्यूटी करने में एकदम सक्षम है। ही इज़ ड्यूटीफुल टूवर्ड्स हिज मदर एंड अदर एल्डर्स। उसे पता है कि वो अपने उसके जाने के बाद उसके माँ बाप और उसके और बड़े बूढ़ों का अच्छे तरीके से ध्यान रख पाएगा। ही विल वर्शिप हिज फैमिली गॉड एंड कंटिन्यू द फैमिली ट्रेडिशन। वो उसके बाद यूलिसिस के जाने के बाद घर के इष्ट देवों को और घर की रीतियों को आगे बढ़ाता चला जाएगा। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ यूलिसिस टेलीमैकस विल डू हिज बेस्ट व्हाइल यूलिसिस विल डू हिज ओन वर्क। वो कहता है कि उसके जाने के बाद उसका बेटा अपने तरीके से राजपाट संभालेगा और यूलिसिस अपने तरीके से अपना रोमांच करेगा। इन अदर वर्ड यूलिसिस इन दिस लाइट वांट्स टू अश्योर हिज पीपल एंड फैमिली दैट हिज सन इज फुली रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज फैमिली एंड किंगडम आफ्टर यूलिसिस। और ये कहना भी गलत नहीं होगा इन पंक्तियों में वो अपने राज्य के लोगों को और परिवार के लोगों को आश्वासन दे रहा है कि उसका बेटा राज्य की और परिवार की जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाने में एकदम सक्षम है उसके बाद। तो ये था दूसरा हिस्सा, थर्ड हिस्सा। तो पहले हिस्से में हम लोगों ने देखा कि उसने साधारण जिंदगी जीने को नकार दिया, दूसरे हिस्से में उसने अपनी जिम्मेदारियों को अपने बेटे को सौंप दिया, और तीसरा हिस्सा जब वो अपने साथियों को और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वो हमें ये सिखाता है कि शारीरिक ताकत ज़रूरी नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा ज़रूरी है। देयर लाइज द पोर्ट द वेसल पफ्स हर सेल देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज माई मरीनर सोल्स दैट हैव टॉयल्ड एंड रॉट एंड थॉट विद मी दैट एवर विद अ फ्रॉलिक वेलकम लुक द थंडर एंड सनशाइन एंड अ पोस्ट फ्री हार्ट फ्री फॉरहेड यू एंड आई आर ओल्ड। इन द थर्ड पार्ट ऑफ द पोएम यूलिसिस अगेन एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू स्टार्ट हिज एडवेंचर्स एज सून एज पॉसिबल बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक एवरी सेकेंड ऑफ हिज लाइफ वर्थ वाइल बाई लर्निंग न्यू नॉलेज एंड न्यू थिंग्स बिफोर हिज डेथ। तो तीसरे हिस्से में पोइट अपने आप को और अपने साथियों को प्रेरित भी कर रहा है और अपनी तीव्र इच्छा बता रहा है कि वो चाहता है वो जल्दी से जल्दी अपने नए सफ़र पे निकल जाए ताकि मरने से पहले वो नई नई चीज़ों को नई नई नॉलेज को हासिल करता चला जाए। दैट इज़ व्हाई यूलिसिस पॉइंट्स टू द पोर्ट फ्रॉम वेयर हिज वॉयज विल बिगिन। ही टेल्स हिज फेलो मरीनर्स दैट शिप इज़ रेडी विद इट्स सेल्स विच आर बींग पुश्ड बाय द ब्लोइंग विंड। इसीलिए वो समुद्र के किनारे की तरफ देखता है जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि समुद्र का किनारा उसे सफ़र के लिए बुला रहा है। वो अपने साथियों को कहता है कि उनका जहाज़ फिर से समुद्र के सफ़र के ऊपर जाने के लिए तैयार है। देयर इन द डार्क इन द वास्ट ओशन हिज फेलो मरीनर्स हैव ऑलवेज फेस्ड द चेंजेस एंड चैलेंजेस ऑफ वेदर चेयरफुली विद हिम। वो उनको याद दिलाता है कि वो उसके वही साथी हैं जिसने पहले भी उसके साथ जिन्होंने पहले भी उसके साथ कुदरत और हालातों का हंसते हुए सामना किया था। ही टेल्स दैट हिज फेलो मरीनर्स हैव ऑलवेज स्टूड बाय हिम इन हिज लेबर्स एंड एडवेंचर्स दे हैव ऑलवेज फेस्ड डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज विद दी स्माइलिंग फेसेस। वो बताता है किस प्रकार से उसके साथियों ने हर मुश्किल घड़ी में हर एडवेंचर में किस प्रकार से उसका हंसते हुए चेहरों के साथ उसका साथ दिया था। यूलिसिस नोज दैट नाउ ही एंड हिज फेलो मरीनर्स हैव ग्रोन ओल्ड बट स्टिल ही फील्स दैट ही माइट बी वीक फिजिकली बट देयर हार्ट्स एंड स्पिरिट आर स्टिल यंग एंड फुल ऑफ स्ट्रेंथ टू स्टार्ट अ न्यू एडवेंचर। यूलिसिस
उनको इस बात का भी एहसास है कि शारीरिक तौर पे वो और उसके साथी बूढ़े हो चुके हैं, बट वो कहता है कि उनका केवल शरीर ही कमज़ोर हुआ है, उनके अंदर की इच्छा शक्ति उनके आज भी उतनी ही ताकतवर है और इसीलिए आज भी वो इच्छा शक्ति उनको प्रेरित कर रही है कि वो जल्द से जल्द एक नए सफ़र के लिए निकल जाए। इन अदर वर्ड्स इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट हिज फिजिकल स्ट्रेंथ इज नॉट अ बैरियर फॉर हिम टू स्टॉप हिम फ्रॉम अचीविंग मोर नॉलेज बिकॉज ही स्टिल हैज़ अ हार्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड अ विल पावर स्ट्रॉन्ग एनफ टू ओवर पावर हिज फिजिकल वीकनेस। इसीलिए वो इन पंक्तियों में हम लोगों को भी प्रेरित कर देता है कि शारीरिक कमज़ोरी कभी बाधा नहीं बन सकती, अगर आपकी इच्छा शक्ति आपके अंदर आगे बढ़ने की एक तीव्र शक्ति मौजूद हो तो। इसकी बड़ी एग्जांपल ये भी है कि हम लोग देख सकते हैं कि कई बार अपाहिज लोग भी वो काम कर जाते हैं जो एक भला चंगा इंसान भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी शारीरिक कमज़ोरी जो है वो उनकी मायने नहीं रखती, उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि उनकी शारीरिक कमज़ोरी उनकी विल पावर के सामने छोटी पड़ जाती है। डेथ क्लोजेज ऑल बट समथिंग इरादा एंड सम वर्क ऑफ नॉबल नॉट मे येट बी डन नॉट बिकमिंग मैन दैट स्ट्रॉ विद गॉड्स। इन दीस लाइन यूलिसिस एडमिट्स दैट ही एंड हिज कंपेनियंस हैव ग्रोन ओल्ड बट स्टिल ही wants to inspire himself and his companion that their physical weakness cannot stop their willpower from achieving more and more knowledge and starting a new adventure. तो इन पंक्तियों में यूलिसिस इस चीज़ को मानता है कि वो और उसके साथी जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, शारीरिक तौर पे कमज़ोर हो चुके हैं, बट वो ये भी मानता है कि उनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है कि उनकी ये फिज़िकल कमज़ोरी भी उनको नई नॉलेज नए एडवेंचर पर जाने से नहीं रोक सकती। ही टेल्स हिज कंपेनियन दैट ओल्ड एज हैज़ इट्स ओन वर्क ऑनर एंड ग्लोरी, ही नोज़ दैट सून डेथ विल पुट एन एंड टू ऑल देयर एक्टिविटीज़ but still he feels as if that something great and noble can still be done before their death which will make them immortal after their death. वो ये भी जानता है, वो अपने साथियों को प्रेरित करता है, वो कहता है कि no doubt वो जिस जिंदगी के जिस पड़ाव पे हैं जल्दी ही मौत उनकी जिंदगी को ख़त्म कर देगी, but उसके बावजूद भी वो ये महसूस करता है कि मरने से पहले अब भी उनके पास इतना टाइम बचा है कि वो कुछ ऐसा कर जाएं कि वो मर के भी अमर हो जाएं अपने कामों के ज़रिए। तो इसीलिए इस चीज़ को भी हमें हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि इंसान अपने कर्मों के द्वारा ज़िंदा रहता है, ना कि लंबी उम्र के कारण। यूलिसिस बिलीव्स दैट हिज कंपेनियंस आर ऑल्सो नॉट ऑर्डिनरी मैन, they fought with God and now even in the last stage of life they will certainly do something great and noble before they take their last breath. वो कह रहा है कि यूलिसिस के ऐसे साथी हैं जिन्होंने कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स के साथ भी लड़ाई की है, मुकाबला किया है, और अब जब वो आखिरी स्टेज पे हैं उसे पूरी उम्मीद है कि वो अब भी कुछ ऐसा काम करने में सक्षम है जो उनको मरने से पहले अमर कर देंगे उनके कामों के ज़रिए। इसकी एक एग्जांपल देख लीजिए, भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी चल गया बट आज भी जिंदा है, उसके बाद उसके साथ कितने लोग भगत सिंह के नाम से जिंदा थे, बट उसने मरने से पहले ऐसा काम कर दिया कि वो मर के भी आज तक जिंदा है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से ज़रूरी नहीं हमारी उम्र लंबी हो, हमारे काम बड़े होने चाहिए, उम्र छोटी भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही वो पॉइंट कह रहा है कि अब भी उनके पास ऐसा टाइम है, अभी भी उनके पास इतना वक्त है कि वो कुछ ऐसा कर जाए कि मौत भी उनको मार ना सके, वो मर के भी जिंदा रह जाए लोगों के दिलों के अंदर। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वेन्स, द स्लो मून क्लाइंस, द डीप मून सराउंड विद मैनी वॉइसेस, Come my friend, it's not too late to seek a newer world. In these lines, Ulysses says that light has become visible from the rocks. It shows that evening has come
एंड लॉन्ग डे इज अबाउट टू कम टू एन एंड। इन पंक्तियों में यूलिसिस कह रहा है कि दिन लगभग ढलने वाला है। ये इस चीज़ का भी प्रतीक है कि उनकी भी डेथ होने वाली है, और ये इस चीज़ का भी प्रतीक है कि शाम का समय होने वाला है, आकाश में चांद आ चुका है। सी इज प्रोड्यूसिंग सम साउंड एक्सप्रेसिंग सफरिंग और सोरो। इन अदर वर्ड वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट इन दिस लाइन यूलिसिस फील्स एज इफ सी इज कॉलिंग हिम एंड हिज फेलो मरीनर्स फॉर अनदर वॉयज। उसे इन पंक्तियों में यूलिसिस को ऐसा आभास हो रहा है जैसे उसे लग रहा हो कि समुंदर उसे और उसे साथियों को बुला रहा है कि वो आए और एक नए रोमांच पर, एक नए एडवेंचर पर चले और वो नई नई चीज़ों को सीखें। इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फरो फॉर माई पर्पस होल टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बास ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई। इन दीज लाइन्स यूलिसिस एड्रेसेस हिज फेलो सेलर्स आस्किंग देम टू गेट रेडी टू अंडरटेक अनदर एडवेंचरस वॉयज। इन पंक्तियों में यूलिसिस अपने साथियों को प्रेरित कर रहा है कि वो लोग उसके साथ एक और रोमांच, नए रोमांच पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। ही टेल्स देम दैट इट इज़ नेवर टू लेट इन लाइफ टू सीक न्यू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। वो कह रहा है कि जिंदगी में कुछ नया सीखने के लिए कभी भी कोई उम्र, कोई वक्त नहीं होता। हम जब चाहे, जब दिल करे, जब हमारे अंदर इच्छा हो, हम नई चीज़ को, नई नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। He asked his fellow sailors to sit in the ship and defeat the roaring waves of the sea. वो अपने साथियों को कहता है कि वो उसके साथ शिप में बैठें और समुंदर के एक नए सफर पर चले। Ulysses say that his aim is to go on sailing till the ship reaches the farthest part of the west where the suns and the stars meet. वो कहता है कि वो तब तक सफ़र करता रहेगा जब तक जो उनका जहाज़ है उस कोने पे नहीं मिलता जहाँ पे जाके ऐसा आभास होता है पृथ्वी और आकाश या समुंदर और आकाश मिल रहे हो। ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू हिज एडवेंचर लाइफ टिल ही डाइज। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहना गलत नहीं होगा, इन पंक्तियों के ज़रिए वो ये कहना चाहता है वो एक रोमांच भरी ज़िंदगी जीना चाहता है जब तक भी उसके शरीर में आखिरी सांस बची है। इन अदर वर्ड्स इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट through these lines Ulysses has expressed his desire to his fellow mariners to start a new journey so that we all can live adventurous life till their last breath and continue to learn new things and knowledge till the last breath of their life and set an example before this life. तो दूसरे शब्दों में ये कहना भी गलत नहीं होगा, इन पंक्तियों में पोइट जहाँ पे अपने साथियों को प्रेरित कर रहा है इस चीज़ के लिए कि जब तक उनके शरीर में आखिरी सांस है वो एक रोमांच से भरी नई चीज़ों को सीखते हुए ज़िंदगी बिताएं, वहीं पे वो हमारे लिए भी एग्जांपल सेट कर रहा है कि हम लोग भी पूरी ज़िंदगी नई नई चीज़ों को सीखते रहें, क्योंकि ये हमें भी ज्ञान हो गया है कि नॉलेज और सीखने की कोई सीमा नहीं है। इट मे बी दैट गल्फ्स विल वॉश अस डाउन, इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइसल्स and see the great ashes whom we knew, though much is taken, much abides, and though. In these lines, Ulysses again addresses the sailors. He tells them that it is possible that roaring waves of sea would swallow their ship and they might be drowned. Ulysses अपने साथियों को संबोधन कर रहा है, वो कह रहा है कि ये भी हो सकता है समुंदर की लहरें उनको डुबो दे, उनके जहाज़ को डुबो दे, but it is also possible that they may reach the happy isles वेयर अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी नॉबल पीपल गो आफ्टर दैट। और वो कहता है ये भी मुमकिन है कि वो हैप्पी आइसल्स जो कि ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक स्वर्ग को माना जाता है, जहाँ पे ग्रीक इतिहास के मुताबिक लोग मरने के बाद जाते हैं, हेयर दे विल मीट ग्रेट वॉरियर एशल्स, जहाँ पे जाकर उन्हें एशल्स के साथ मिलने का मौका मिलेगा। एशल्स एक नया करेक्टर आया है, एशल्स वार ऑफ ट्रॉय का एक अहम योद्धा था, उसे एक वरदान मिला था कि जहाँ जहाँ पे भी उसकी बॉडी को अमृत ने छुआ था उसके ऊपर अगर वार होता तो वो मरता नहीं, केवल उसके पैर रह गए थे और वो उसके उन्हीं पैरों के ऊपर गलती से तीर लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो एशिल्स वार ऑफ ट्रॉय में हिस्सा लेने वाला एक महान योद्धा था, और पोइट ये एक्सपेक्ट करता है, यूलिसिस ये एक्सपेक्ट करता है
कि उन सफ़र करते करते वो हैप्पी आइसल्स पहुंच जाएंगे और वहां पे जाके उन्हें एशियल्स से दोबारा मिलने का मौका भी मिलेगा. सो वी कैन क्लियरली सी दैट यूलिसिस वॉज क्लियरली अबाउट द डिफिकल्टीज दैट माइट कम इन वॉयज, बट हिज विल पावर इज स्ट्रॉन्ग दैट ही नो डिफिकल्टी और ऑब्स्टेकल्स कैन स्टॉप हिम फ्रॉम अचीविंग मोर एंड मोर नॉलेज टिल ही इज अलाइव. तो हम लोग देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि किस प्रकार से यूलिसिस को उसके रास्ते में आने वाली सभी उलझनों मुश्किलों का आभास था, बट उसकी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो ये मानता था कोई बाधा कोई मुश्किल उसको एडवेंचर पर जाने से नई नॉलेज को सीखने से नहीं रोक सकती. वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज मूव्ड अर्थ एंड हेवन, दैट विच वी आर वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रांग इन विल टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड. सो इन द कंक्लूडिंग लाइन्स क्या कह रहा है पोइट, इन दीज लाइन्स Ulysses speaks to his fellow mariners. He tells them that they have lost much of their strength of youth, still much of it remain. तो Ulysses अपने साथियों को संबोधित करता हुआ कहता है कि no doubt अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब उनके अंदर शारीरिक तौर पे वो ताकत नहीं रही जो जवानी के टाइम पर उनके अंदर कभी हुआ करती थी. They are not as strong as they used to be in old days. उनके अंदर अब उतनी ताकत नहीं रही जितनी कि जब वो जवान थे तब हुआ करती थी. इन यूथ दे कुड मूव इवन हेवन एंड अर्थ, जवानी में उनके अंदर इतनी ताकत थी कि वो मुश्किल से मुश्किल भरा काम भी कर सकते थे. बट ही टेल्स दैट नाउ दे हैव लॉस्ट देयर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फोर्स, टाइम एंड फेट हैव मेड देम वीक. तो फिर भी वो कहता है नो डाउट समय और किस्मत ने उनको शारीरिक तौर पर कमज़ोर कर दिया है. However, their temper and nature cannot change. But इसके बावजूद भी उनका temperament, उनका nature, उनकी इच्छा शक्ति जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ी. They still have strong will power and courage that will help them overcome their physical strength. आज भी उनके अंदर इतनी मजबूत इच्छा शक्ति जिंदा है जो कि उनको उनकी शारीरिक कमज़ोरी को ऊपर विजय हासिल करने में हेल्प करेगी और उनको नए सफ़र के ऊपर जाने के लिए प्रेरित करेगी. दैट इज़ वाई इन द एंड ही अर्जिस एंड इंस्पायर्स हिज फेलो मैरिनर्स दैट दे मस्ट मेक एफर्ट्स टू सीक एंड फाइंड न्यू नॉलेज. इसीलिए वो अपने साथियों को प्रेरणा देता है कि वो नए सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो जाएं. दे मस्ट नॉट सबमिट बिफोर एनी वन टिल दे आर अलाइव. वो कहता है कि वो किसी के आगे भी झुके ना, चाहे वो उम्र हो चाहे वो शारीरिक ताकत हो. उनके अंदर इतनी स्ट्रांग इच्छा शक्ति हो कि जब तक वो जिंदा रहें वो नई नई चीज़ों को सीखते रहें. सो वी कैन क्लियरली सी दैट द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड यूलिसिस एज अ करेक्टर हु डिस्पाइट ऑफ हिज ओल्ड एज एंड वीक स्ट्रेंथ स्टिल वॉन्ट्स टू अचीव मोर एंड मोर नॉलेज because he knows that he still has a strong will power and courage to learn more and more in his life till he is alive. to hum log dekh sakte hain Ulysses ne poet ne Ulysses ko ek aise character ke taur pe pesh kiya hai jiske upar uski sharirik kamzori uski badhti hui umar ka bhi koi prabhav nahi pada. kyun? kyunki uski ichha shakti itni strong hai jo usko uski sharirik kamzori ko upar vijay hasil karne mein madad bhi kar rahi hai aur use जब तक वो जिंदा है उसे नई नई चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित भी कर रही है. इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट Ulysses डज नॉट वॉन्ट टू लिव एन ऑर्डिनरी लाइफ, ही वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्शन एंड एडवेंचर टिल हिज लाइफ. तो अंत में हम लोग ये कह सकते हैं कि Ulysses एक ऐसा करेक्टर है जो एक साधारण जिंदगी जीना नहीं चाहता, वो एक एक्शन और रोमांच से भरी जिंदगी जीना चाहता है. मेड वीक बाई टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग एंड विल टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट Ulysses wants to give us message that we must not stop learning and getting more and more knowledge throughout our life. तो दूसरे शब्दों में ये कहना भी गलत नहीं होगा, पोइट ने Ulysses के करेक्टर के ज़रिए हम लोगों को ये शिक्षा दी है, ये मैसेज दिया है कि हम लोगों को भी पूरी ज़िंदगी नॉलेज और नई नई चीज़ों को सीखना बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि नॉलेज और सीखने की कोई सीमा नहीं है. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. Click on the bell icon
टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।